अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां पर पंडित मनोहर शर्मा द्वारा भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि मालवी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाए। पंडित मनोहर शर्मा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर शासकीय अस्पताल बना दिया गया है और शेष भूमि पर रवि मालवी के परिवार वालों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लगातार शिकायतों के बाद सुनवाई ना होने से तंग आकर खातेगांव निवासी मनोहर शर्मा ने अब राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, जिसमें इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई है। मनोहर लाल शर्मा है, मैं ग्राम जियागांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में खातेगांव में निवास करता हूं। मेरे पूर्वजों की जमीन ग्राम गोपालपुर तहसील खातेगांव नसुलगाय जिला सीहोर में है। मेरे पूर्वजों की जमीन रवि मालवी के परिवार के द्वारा राकेश पिता सीताराम ब्राह्मण निवासी गोपालपुर की 5 एकड़ जमीन खरीद ली गई थी। इसके पश्चात शेष जमीन 5 एकड़ दिनेश पिता सीताराम ब्राह्मण के नाम से थी, उसमें से भी रवि मालवी के परिवार ने 1 एकड़ जमीन खरीद ली। शेष जमीन 4 एकड़ बची, जिस पर रवि मालवी के परिवार के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर शासकीय अस्पताल का निर्माण करा दिया गया। हमारे द्वारा न्यायालय तहसीलदार SDM इनके राज्य के जिले के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, इसलिए इनके राजनीतिक प्रभाव से तहसीलदार और SDM ने भी हमारी आवेदन को खारिज कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी शासन से भी निवेदन किया, मगर मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने अब यह निर्णय लिया कि मेरी पैतृक जमीन दूसरे लोग नहीं खावे, इसके लिए मैं भी माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय से इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मांगी है। मिलने पर जानकारी दीजिए।